वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक गार्डनिंग। और फ्रेंड्स, ये सब आप देख रहे होंगे, ये नारियल के छिलके हैं जिनसे हम नारियल से निकाल कर इन्हें वेस्ट में फेंक देते हैं, कचरे में फेंक देते हैं। लेकिन आज मैं आपको इससे बहुत ही काम की चीज बनाना बताऊंगी, तो मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। और वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो ये जो नारियल का छिलका है फ्रेंड्स, इससे आज मैं आपको जो मनी प्लांट, पोथोस और बहुत सारे ऐसे हमारे प्लांट है जिनकी सहारा देने के लिए, पान की प्लांट, बेल और बहुत सारे प्लांट के लिए हम जो स्टिक बनाते हैं, मॉस स्टिक भी आती है, कोको स्टिक भी आती है, वो बनाना बताऊंगी। और बहुत ही इजी तरीके से आप फ्री में बना सकते हैं, बस आपको कुछ सामान की जरूरत होगी जो मैं आगे चल के आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको क्या लेना है, इस तरीके के जो नारियल के छिलके हैं वो आपको लेना है, जो घर पर सभी को आराम से मिल जाते हैं और आप इजिली इनको ले सकते हैं। इसके बाद में क्या करना है फ्रेंड्स कि आपको एक टप में पानी लेना है। तो इस तरीके से मैंने इसको टप में पानी लिया है और इस सब नारियल के छिलकों को इस टप में भिगा देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से भिगाना है और ये अभी भीग नहीं पा रही है, तो इसके ऊपर हम कुछ ऐसी चीजें रखेंगे जिसकी वजह से ये पानी में पूरी तरीके से इस तरीके से नीचे डूब जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 15 दिन से भीगे हुए हैं और इसको कम से कम आपको 15 दिन के लिए भिगा के रखना है। और उसके बाद में फ्रेंड्स, आपको इस तरीके से ये बहुत आसानी से खुल जाएंगे जब ये भीग जाएंगे, तो आपको इस तरीके से इसे अलग अलग करना है और बहुत इजीली तरीके से ये हो जाएंगे, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसीलिए हमें इसे भिगा कर रखना है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इतने सारे इसके निकाल लिए हैं और अब निकालने के बाद में फ्रेंड्स, हमें एक जो नेट आती है वो नेट लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये वो जाली है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी, ये मार्केट में इजीली आपको बहुत ही आसानी से 20 से 25 रुपए फीट के हिसाब से मिल जाएगी और मैं इसे लेकर आई हूँ सिर्फ 100 रुपीज में। तो फ्रेंड्स, इसे आपको अपने जो प्लांट है उसकी अकॉर्डिंग इसको आपको कट करना है और ये किसी भी कैंची की सहायता से इजिली कट भी जाएगी। और आपको जो प्लांट है उसमें आपको जितनी बड़ी स्टिक बनानी है, 2 फीट की या 4 फीट की, आप उसके हिसाब से इसको नेट को काट लीजिए। मेरे पास में एक मनी प्लांट का बहुत ही लंबी सी बेल वाला प्लांट है और उसे मैं 4 फीट की इस स्टिक पे लगाना चाहती हूँ, तो मैंने इसको 4 फीट की लेंथ में काट लिया है और बहुत ही इजी से कट गई है फ्रेंड्स। तो आगे की प्रोसेस देखते हैं हम। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आपको काट के अब जो हमने कोकोपीट जो नारियल का हमने छिलका निकाला था और उसे भिगाया था, उसे इस तरीके से आपको जमाना है। तो फ्रेंड्स, मैं इसे ठीक से जमा लेती हूँ, फिर आपको पूरी प्रोसेस में बताती हूँ, आप सिर्फ देखते जाइएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छी तरीके से इसे सब दूर ठीक से बिछा दिया है और नारियल के छिलके को, और ये गीला रहता है फ्रेंड्स तो काफी अच्छे से ये निकल भी जाता है, अलग अलग भी हो जाता है। इसके बाद में फ्रेंड्स, आपको इसमें अंदर की तरफ एक लेयर बिछानी है आपको वर्मी कंपोस्ट और राइस हस्क की। तो आप इतनी एक लेयर ऐसी पतली पतली सी इसके ऊपर डाल सकते हैं ताकि जब आपका मनी प्लांट की रूट अंदर तक पहुंच जाए तो उसे यहाँ पर भी जो कम्पोस्ट है वो मिल जाए आराम से। तो इस तरीके से आपको ज्यादा नहीं डालना है फ्रेंड्स, और इस तरीके से फैला दे। अब खाद डालने के बाद में फ्रेंड्स, आप इसको एक ऐसी स्टिक का सहारा देंगे, आप चाहें तो प्लास्टिक का पाइप भी ले सकते हैं फ्रेंड्स, ये मुझे घर पर इजीली अवेलेबल थी इसलिए मैंने इसे रख दिया है। और इसे आप इस तरीके से यहाँ पर रख देंगे और इसके ऊपर फिर वापस से कोको पीट के जो हमने नारियल के छिलके निकाले हैं फ्रेंड्स, उसका एक लेयर और लगा देंगे। तो इस तरीके से आपको एक लेयर लगानी है, ताकि जो हल्की हल्की सी लगानी है फ्रेंड्स, ज्यादा बड़ी नहीं लगानी है क्योंकि ये काफी ज्यादा हैवी हो जाएगा। और इस तरीके से आपको इसको पूरे को कवर करना है, इस तरीके से फ्रेंड्स जीपर लग जाएंगे सारे। और इसको आपको पूरा ऊपर तक लगाना है फ्रेंड्स, कोई सी भी जगह ऐसी नहीं छूटनी चाहिए जिसमें ना लगा हो और बाद में इसको खुल जाए, तो आपको पहले से ही इसकी सेफ्टी करके रखनी है। और इस तरीके से एक और लगेगा यहाँ पर फ्रेंड्स, तो मैं लगा लेती हूँ।
और इस तरीके से आप पूरे लगा लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इनको हम काट देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी बनकर तैयार है और ये आप देख सकते हैं। अब ये अगर सूख जाएगी फ्रेंड्स, अभी इस वक्त इसको काफी ज्यादा मतलब ये हेवी हो गई है क्योंकि ये पानी में डूबे हुए थे नारियल के छिलके, और जब ये सूख जाएगी फ्रेंड्स तो काफी हल्की हो जाएगी। अब इसके बाद में फ्रेंड्स मैं इसे गमले में लगाऊंगी और उसके बाद में फिर मेरी जो मनी प्लांट की जो लंबी लंबी सी ब्रांचेस है वो इसके ऊपर मैं अच्छे से लगाऊंगी। तो मैं इसमें एक बड़ा सा पॉट लूंगी फ्रेंड्स, देखिए, और इसमें मैंने आधी मिट्टी डाल ली है और मैंने इसमें मिट्टी में ज्यादा कुछ नहीं डाला है फ्रेंड्स, थोड़ी सी रिवर सेंड और थोड़ी सी जो राइस हस्क है वो डाली है, कंपोस्ट डाला है और अपनी गार्डन की सॉइल ली है। तो अब मैं इसको इसके अंदर इजीली लगा पाऊंगी क्योंकि मैंने इसके नीचे अच्छे से जो लगाया था लकड़ी का हैंडल, और देखिये फ्रेंड्स मैं इसे लगाती हूँ। तो देखिये फ्रेंड्स, ये काफी लंबा सा बना है, मैंने इसे 4 फीट का बनाया है और ये एक काफी अच्छा सा लंबा सा बन गया है। अब फ्रेंड्स मैं इसे मिट्टी में थोड़ा सा गमले की जो मिट्टी आती है उसके अंदर थोड़ा सा इसे सहारा दे दूंगी, तो मिट्टी डालूंगी मैं और काफी अच्छे से मिट्टी डालूंगी। पूरा इसको पॉट को नहीं भरना है मुझे क्योंकि इसमें मैं अभी थोड़ी सी जो प्लांट है मेरे मनी प्लांट के वो भी लगाऊंगी। तो देखिये फ्रेंड्स, ये इस तरीके से आपको मिट्टी को भर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे लगा दिया है और इसे थोड़ी सी मिट्टी में भी दबा दिया है ताकि ये हिले नहीं और आगे चल के गिरे नहीं। तो इसमें जो लकड़ी का डंडा मैंने लगाया है वो इसीलिए लगाया है फ्रेंड्स कि इसे एक सपोर्ट मिले। और अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये कितना खूबसूरत सा लग रहा है और काफी लंबा बन गया है। ये मैंने 4 फीट का बनाया है क्योंकि जो मेरे पास मनी प्लांट है उसकी जो ब्रांचेस है वो काफी बड़ी बड़ी निकल कर आई है, तो ये दिखने में भी काफी खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। और ये पॉट भी काफी ज्यादा बड़ा है तो इसके लिए ये सहारे का काम करेगा। और अब इसके बाद में मैं इसकी जो जितनी भी मैंने ये लगाई थी मैं इसे यहाँ से काट लूंगी फ्रेंड्स, और इसके बाद में फिर मेरा जो काम रहेगा फ्रेंड्स कि वो मैं मनी प्लांट को इसके अंदर शिफ्ट करती हूँ। तो फटाफट से वो भी काम कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए अभी हम मनी प्लांट को इसमें लगाते हैं। तो ये फ्रेंड्स मेरी एक मनी प्लांट थी और ये काफी दिनों से लगी हुई थी छोटे से पॉट में और इसकी ब्रांचेस काफी ज्यादा निकल गई थी। तो अभी जब मैं इसके ऊपर इसको लगाऊंगी तो आप देखेंगे फ्रेंड्स कि ये कितनी लंबी निकल गई थी। तो इस तरीके से मैं इसको यहाँ पर लगा दूंगी और इसके ऊपर फिर फ्रेंड्स मैं थोड़ी सी मिट्टी भी ऐड करूंगी तो इसे और ज्यादा सहारा इस स्टिक को मिल जाएगा और ये काफी अच्छे से इसमें दिखाई देगी। तो मैं इसको पूरे मिट्टी से भर लूंगी फ्रेंड्स, बस थोड़ी सी जगह रखूंगी ताकि ये पानी इसमें जा सके फ्रेंड्स, क्योंकि जितनी मैं मिट्टी में भरूंगी फ्रेंड्स इसको उतने ही ज्यादा इसको सपोर्ट मिलेगा और ये काफी मजबूती से इस पॉट में खड़ा रहेगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स अगर आपको भी बनाना है तो आप इजीली बना सकते हैं और आप अपने तरीके से इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं कि आप अगर नेट दूसरी लाना चाहते हैं तो वो भी ला सकते हैं, लेकिन मुझे काफी इजीली ये मिल गई और मैंने काफी आसानी से बना लिया। आपने देखा कि मैंने घर पर ही बनाया है फ्रेंड्स, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ज्यादा खर्चा नहीं हुआ। और देखिए फ्रेंड्स ये इस तरीके से लग गया है, मैं थोड़ी सी मिट्टी और ऐड करूंगी और ये हो गया। अब इसके बाद में फ्रेंड्स मुझे पानी देना है इसमें ताकि ये मिट्टी काफी अच्छे से मजबूत हो जाए। और अब फ्रेंड्स देखिए हो चुका है और अब हम इसको मनी प्लांट को थोड़ा सा इसके ऊपर काफी लंबी लंबी सी ब्रांचेस है फ्रेंड्स, मैं दिखाऊं आपको तो काफी बड़ी सी ब्रांचेस है और इसे लगाने में काफी टाइम लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली मेरी जो कोकोपीट स्टिक थी वो बनकर तैयार हो गई है और फ्रेंड्स मैंने इसके ऊपर मनी प्लांट भी लगा दिया है। तो देखिए ये कितनी प्यारी लग रही है और इस तरीके से आप भी बना सकते हैं फ्रेंड्स और अपने घर पर ही बहुत ही आसान तरीके से आप तैयार भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो थी ये आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स।